आज हम इस वीडियो में इंडियन नेवी के सामान्य ज्ञान के सेट फर्स्ट को देखेंगे, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इस सेट के क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले गोवा पर किसका शासनात्मक अधिकार था? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, पुर्तगाल का अधिकार था स्वतंत्रता से पहले गोवा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस सन में आरंभ हुआ? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, 1906 ईस्वी में भारतीय मानक समय प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारी अर्पणा पोपट किस खेल से संबंधित है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, कुमारी अर्पणा पोपट जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, असहयोग आंदोलन के जो नेता थे वो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान कौन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1N1 वायरस किस बीमारी को फैलाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, स्वाइन फ्लू को H1N1 वायरस जो है फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, मछली जो है निम्नलिखित जानवर में से मीन राशि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित रखती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, बैडमिंटन से साइना नेहवाल संबंधित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक पते पर उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तारित रूप क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है पिन का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म का धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किससे सांस लेती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, मछली जो है गिल्स से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले छाता किस देश ने बनाया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, सबसे पहले जो छाता चीन देश ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान भारत कब आया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, 326 ईस्वी बीसी में सिकंदर महान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में अर्जुन पुत्र थे? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, पांडु के महाभारत में अर्जुन पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, अन्ना हजारे जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, लगान फिल्म जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, तस्लीमा नसरीन जो है लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है?
तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।